नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 26 मार्च 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने बाय सेल लेवल कम स्किनर बनाया, इसका वैसे लेवल कम स्किनर बनाया, उसके थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। तो ये भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी कमोडिटी के फ्यूचर्स का व्यू देता हूँ। इसके अलावा मैं 100 डे में स्ट्रेटेजी, इनसाइड द बार, NF4, NF7 कैंडल स्टिक पैटर्न और बहुत सारा लेवल्स, गन लेवल्स, फिबोनाची लेवल्स, एलियट वेव, बहुत सारा टाइम फ्रेम में और बहुत सारा स्टैंडर्ड डिविएशन, वोलेटिलिटी वेस्ट दिखाता हूँ। तो अभी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटस है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में काम करने का बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ये जो वाइसल लेवल कम स्किनर बना है, इसको कैसे स्क्रीनिंग करना है उसका वीडियो आप लोग देख लीजिए। और इसमें कैसे क्या क्या है, इसमें बहुत सारा चीज़ आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी आप लोग को वो भी आप लोग देख सकता है। और इधर बहुत सारा चीज़ है, तो जो आप लोग इस्तेमाल करके लाइव मार्केट में बहुत ही आसानी से प्रॉफिट कमा सकता है। इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स है, बहुत सारा लेवल्स है, जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में काम करने का बहुत ही हेल्पफुल रहा हो जाएगा। तो ये वीडियो और इसका व्हाट्सएप में फ्री ट्रायल के लिए लिंक जो है, तो उसके में ही आप लोग ज्वाइन हो सकता है, उसका लिंक भी दिया गया है। तो वीडियो तो इसको उसमें ज्वाइन हो सकता है। और इसका डाउनलोड करने का लिंक, सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा। उसमें से आप लोग देख सकता है आप लोग कैसे इसका न, न, इसको क्या क्या है और कैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, आप लोग को आइडिया हो जाएगा। इसका परफॉर्मेंस वाला वीडियोस भी आप लोग देखिए, तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का आप लोग को बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए, मेरा कंप्यूटर में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है। तो एनीवे, मैंने दिखाने का कोशिश करता हूँ। निफ्टी का जो चार्ट है, पहले निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। निफ्टी का मैंने कल बताया था कि अभी एक साइकिल में चल रहा है, तो इसको रिट्रेस हो रहा है। तो रिट्रेसमेंट जो हो रहा है, तो इसमें इसीलिए इसके वजह से इसका थोड़ा सा अभी ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है। तो कितना परसेंट गिरा है और कितना परसेंट ऊपर जाए, वो भी कल में मैंने डिस्कस किया था। तो इसका देखिए, फर्स्ट अभी 8580 में इसका रेजिस्टेंस, फर्स्ट 8580 में इसका रेजिस्टेंस बनेगा। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट लेवल आएगा 8800, सॉरी 8860। उसके बाद मैंने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लिया है, 9289 या 9290 में इसका के ऊपर इसका लेवल आएगा। उसके बाद ये 9841 तक जा सकता है। उसके बाद इस रीजन से 9,957 से 10,105 इसका रीजन में आएगा, तो उसके बाद इसका ट्रेंड हो सकता है। लेकिन ऐसा होने का चांस कम है, क्योंकि ये थोड़ा सा परसेंटेज जितना परसेंट थोड़ा इसका एक साइकिल चल रहा है और लॉन्ग टर्म के अंदर भी शॉर्ट टर्म साइकिल चल रहा है। तो थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है, करेक्शन हो रहा है, डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा इसका करेक्शन बन रहा है। वो थोड़ा और भी नीचे जाने का, और कितना नीचे जा सकता है, मैंने उसका भी प्रोजेक्शन 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 दिखाएगा। प्रोजेक्शन मैंने दिखाया था कल, प्रोजेक्शन दिखाया था। तो देखिए, इसका मैंने वीकली चार्ट देखता हूँ। वीकली चार्ट में इसका वीकली चार्ट में दिखा था वीकली चार्ट में दिखाता हूँ उगली चार्ट में दिखाता हूँ। देखिए इसका, देखिए इधर जो अप ट्रेंड गया था, उसके बाद इसका जो करेक्शन आ रहा है, तो करेक्शन में देखिए, करेक्शन में थोड़ा सा रिटेस्ट तो जरूर आएगा, लेकिन और भी इसका करेक्शन थोड़ा सा बाकी रहेगा। मैंने इतना तक प्रोजेक्शन किया था, 4656 तक इसका आने का चांसेस है। क्योंकि क्यों आया था, मैंने 2008 से वो मैंने लेके चालू करके 2012, 2016, 2020 में जो करेक्शन आ रहा है,
तो इसका मैंने गांस टाइम स्क्वायर और इलर्ट वेव पर फिबोनाची लेवल देके मैंने समझा है, मतलब एनालिसिस किया था कल, तो उसका कल वाला वीडियोस आप लोग देख लीजिए, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो और भी मैंने लेवल्स भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा, तो उसका लेवल्स में भी आप लोग प्रोजेक्शन देख पाएगा देख पाएंगे। और उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट में जो डेली चार्ट में इधर डेली चार्ट में डेली चार्ट में बैंक निफ्टी का डेली चार्ट में इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार देख लेने का देख लेते हैं। इसका देखिए तो 18,481 में तो क्लोजिंग दिया है, उसके बाद 18,746 में आप लोग को थोड़ा सा शायद आप लोग को आप लोग देख पा रहा है, इसका तो मैंने फुल जूम कर लिया हूँ, तो 18,746 में इसका रेजिस्टेंस है। उसके उसके बाद 29,652 में इसका रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसके बाद जो रेजिस्टेंस दिख रहा है 20,522, उसके बाद 21,587, उसके बाद 23,167 तक इसका ऊपर का लेवल है। नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है, नीचे वाला जो सपोर्ट बनेगा वो है 17,021, उसके बाद 16,201। उसके बाद उसके नीचे देखने के लिए थोड़ा सा चार्ट को 16,200 चार्ट थोड़ा सा वीकली चार्ट में ले जाना पड़ेगा, वीकली चार्ट में ये कैसे देखता है एक बार देख लेता है। इसके लिए इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, मेरा नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कंप्यूटर्स का स्क्रीनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसे, तो आप लोग को समझने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग थोड़ा सा देख ले सकता है। तो देखिए इसके बाद इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तो आप लोग को दिखा दिया, उसके बाद 15,325 में इसका एक सपोर्ट है, उसके बाद ये 16,200, उसके बाद 16,207, उसके बाद 16,207, उसके बाद ये रीजन पे आएगा 14,268, 13,800, उसके बाद 13,305, उसके बाद 12,382, उसके बाद 10,000, उसके बाद 7,517। तो इसमें से आप लोग इधर से जो स्विंग है या स्विंग लो बना है तो इसको आप लोग देख सकते हैं, और कितना करेक्शन हो सकता है वो भी मैंने पिछले वाला वीडियोस में मैंने बताया था, बाद में फिर और भी बताऊंगा। तो ये देखिए इसका इस लेवल पे नीचे आने का चांसेस बहुत ही कम है, इस लेवल का नीचे मतलब 10,000 का नीचे थोड़ा सा 10,000 का तक आ सकता है, या 10,000 का थोड़ा सा नीचे से ये रिट्रेस होगा ऐसा चांसेस लगता है। और इधर निफ्टी में एक बार देख लेते हैं, निफ्टी में निफ्टी में भी थोड़ा सा लगता है कि 6,800 का जो लेवल है इसका नीचे थोड़ा सा आएगा, उसका नीचे आने के बाद ये टच करके इसका ये इसको टच करके या थोड़ा सा 6,800 इधर इधर 6,800, नहीं तो इधर थोड़ा सा 4,000-5,000 के नीचे थोड़ा सा 4,600 का लेवल से ये आके ये रिट्रेस होके ऊपर जाएगा ऐसा लगता है। तो ये बाद में देखता है कैसे क्या हो सकता है। देखिए अभी थोड़ा सा 8,500 या 8,800 900 8,500 या 9,200 या 9,700 का लेवल तक ये रिटेस्ट हो सकता है, उसके बाद इसका बड़ा गिरावट फिर से आएगा, उसके बाद ही ये रिटेस्ट होगा। क्योंकि ये साइकिल मैंने कल भी एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था। और निफ्टी का ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में इसका
जो इसका 1.06 इसका पीसीआर लेवल है, पीसीआर रेशियो 1.06 है, इसका 8500 में इसका रेजिस्टेंस बना है, कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, और इधर 7500 में इसका मैंने थोड़ा सा रेंज बड़ा लिया हूँ, तो 7000 क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है इसीलिए थोड़ा सा बड़ा लिया हूँ, 7500 में इसका लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, तो इधर आप लोग देख सकते हैं लॉन्ग नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और इधर देखिए शॉर्ट कवरिंग उसी का 7500 का लेवल में शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, इधर जिधर जिधर सपोर्ट बना है उधर इधर देखिए लॉन्ग कॉल साइड में इसका लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है थोड़ा सा नीचे का लेवल नहीं आए देगा, तो नीचे का लेवल से इसका जब भी नीचे आने का उसका थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो जाएगा, तो इधर भी देखिए आप लोग देखते देख सकते हैं इधर लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, और इसे और इधर जितना तक तो ये नीचे जा रहा है इसका लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है पुट साइड में, लॉन्ग नीचे ऊपर का लेवल में इसका पुट साइड का लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म स्पैन में थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, और बैंक निफ्टी का देखता है बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन बना है, बैंक निफ्टी का देखता है कि इधर पीसीआर रेशियो पहले है ये इधर 0.82 इसका पीसीआर रेशियो है, और इसका 18000 का लेवल पे 18000 सॉरी 19000 का लेवल पे इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है, कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में शॉर्ट लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, और पुट साइड में 18000 में मैंने इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट को कंसीडर किया हूँ, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है तो इधर भी इंडिकेट कर रहा है कि ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन किया हूँ वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ, इधर 7500 और इधर 8500 पकड़ के ये अब जाने का प्रोबेबिलिटी एक दिन का एक्सपायरी का हिसाब से, और जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का जो कंडीशन है उसको मैंने वैल्यू दिया है, तो इसका इसी का हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन किया हूँ तो इधर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है 8500 का लेवल मतलब अप जाने का प्रोबेबिलिटी, और इधर भी इधर थोड़ा सा बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डाउन प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, बैंक निफ्टी क्यों इतना गिरावट होता है ज़्यादा वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, तो इसके बाद मैंने कुछ लेवल्स दिखाने का दिखा देता हूँ, तो इसका आप लोग जब नोट करके चलेंगे तो आप लोग को मॉनिटर करने के लिए सुविधा हो जाएगा, ये फिबोनाची का लेवल्स है, इसके बाद फिर ये है फिबोनाची का लेवल्स, इसके बाद मैंने और भी फिबोनाची लेवल्स दिखाऊंगा, ये ज्ञान कैलकुलेटर मतलब ये ज्ञान कैलकुलेटर मैंने बना हूँ, उसमें मैंने जब बाइसेल लेवल दिखाऊंगा तो और भी लेवल्स आप लोग को दिखा दूंगा, तो इसमें जो लोग रेगुलर व्यूअर है वो लोग को पता है कि बहुत सारे लेवल्स देता हूँ, कारण ये हाई का अपसाइड डाउन साइड लो का अपसाइड डाउन साइड और पिवट पॉइंट का अपसाइड डाउन साइड लेके मैंने ये कैलकुलेशन किया हूँ, इसका लेवल्स आप लोग ये निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर इंडेक्स आप लोग इसको ध्यान दीजिए इस सेक्शन को, तो इसका लेवल्स आप लोग नोट कर सकता है, तो और इसी का हिसाब से आप लोग स्टॉक मार्केट मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी को मॉनिटर कर सकता है, और इसमें 360 डिग्री का एनालिसिस में देखिए इधर ये है अपसाइड का लेवल, ये फर्स्ट सर्कल, ये थर्ड सेकंड सर्कल, ये थर्ड सर्कल, ये अपसाइड में और ये डाउन साइड में इसका ये साइकिल का मतलब कंप्लीट होने का चांसेस बहुत ही हाई बनता है, और इधर से मैंने और भी कुछ लेवल अभी दिखा देता हूँ इनसाइड द बर्मा, आप लोग को आना पड़ेगा थोड़ा सा, इधर भी आप लोग को लेवल्स बहुत सारा मिलेगा इस लेवल पे भी, वो मैंने रात में दिखा दूंगा, और इसमें जो ये जो पेज है इसमें मैंने बहुत सारा लेवल्स और भी बनाया हूँ, तो इसको भी आप लोग को दिखा देता हूँ, देखिए ये फिबोनाची बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी इस सेक्शन को आप लोग नोट करते रहिए, इसका देखिए अपसाइड और डाउन साइड आप लोग नोट करके रखिए, तो इसका हिसाब से आप लोग मार्केट को मॉनिटर कर सकता है या ट्रेड ले सकता है, यह है गान का लेवल, कारण गान का R1 R2 R3 का लेवल है, ये गान एंगल्स का कैलकुलेशन है ऊपर वाला और नीचे वाला जो है ये S1 S2 S3, और इधर ये गान डिग्री का जो है उसका कैलकुलेशन मैंने बनाया हूँ, ये भी बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी,
तो वोलेटिलिटी के जब लिंक होता है करना करके कुछ किया हूँ तो करने से थोड़ा सा यह स्टैंडर्ड डेविएशन का टेंडर फिबोनाची लेवल स्टैंडर्ड डेविएशन वोलेटिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन का लिंक करने के लिए करने से इसका इफेक्टिविटी और भी बढ़ जाता है, क्योंकि सभी समय टारगेट अचीव मतलब नहीं होता है, लेकिन जब वोलेटिलिटी को मिक्स कर देता हूँ तो उसका कितना एक दिन का रेंज में कितना मतलब मूवमेंट हो सकता है तो उसका हिसाब से जब चलेगा तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। ये टाइम पीरियड कैलकुलेशन और इस लेवल को भी आप लोग नोट कर सकता है। एनीवे तो उसका दोस्तों फिलहाल मैंने एक वीडियो को क्लोज करता हूँ, तो रात में मैंने वीडियो और भी मतलब आप लोग को लेवल बाइसल लेवल दिखाने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।